वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं 6.4 टॉपिक आप देख चुके हैं और टॉपिक का नाम था 6.4 टॉपिक में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 137 पर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 137 पर। टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव, है ना। जो भी स्टूडेंट स्टेशनरी वेव के इस टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव नहीं पढ़ा है, तो मेरा सजेशन है कि पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव जाके जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना इसकी क्लैरिटी समझना या उसको बेहतर तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेशनरी वेव में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं कि जब दो वेव्स, है ना, आपस में जब जिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हो, वेव की खास बात क्या होनी चाहिए, वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। ये देखो, एक में बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल होना चाहिए। एक में देखो वापस से एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन प्लस साइन है, प्लस साइन है मतलब क्या, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। भाई माइनस साइन है तो प्लस एक्स में और प्लस साइन है तो माइनस एक्स में होना चाहिए। ये दोनों जब आपस में मिलती है ना एक पॉइंट पर, तो इनके मिलने से जो नया इक्वेशन बनता है, वो नया इक्वेशन जो है होता है, वो नया इक्वेशन आपके पास में ये अवेलेबल निकल कर आएगा और इसी इक्वेशन को हम कहेंगे द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। फिर इस इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव समझने के साथ साथ हम स्टेशनरी वेव के इस डायग्राम पर गौर करेंगे कि पैटर्न जो फॉर्म होगा वो इस तरह का पैटर्न फॉर्म होगा, है ना। इस पैटर्न के अंदर हम इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं मीन पोजीशन पर पॉइंट दिख रहे हैं, इन पोजीशन की कंडीशन क्या कहलाती है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें नोड कहा जाता है, कैसे काम करते हैं, नोड की डेफिनेशन क्या होती है, नोड कैसे निकाले जाते हैं। फिर हम सीखेंगे कंडीशन ऑफ एंटी नोड क्या होता है, हाउ टू फाइंड द कंडीशन ऑफ एंटी नोड। फिर आखिरी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर काफी क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं, हम स्टेशनरी वेव की सारी प्रॉपर्टी को कंक्लूड करते जाएंगे और एक बार आकर फिर स्क्रीन पे समराइज करेंगे, फिर स्क्रीन पे हम एक बार क्लोजिंग करेंगे और फाइनली स्क्रीन की मदद से ही हम कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलिए, इन बातों को सीखिए और अपने मार्क्स को इंश्योर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव। क्या है आखिर स्टेशनरी वेव? तो भाई स्टेशनरी वेव के लिए पहली बात होनी चाहिए कि टू वेव्स इंटरैक्ट करनी चाहिए, ठीक है। दो वेव कैसी आनी चाहिए, जिनका एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड सर सेम होना चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सर बोले डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो देखो पहली वेव कौन सी है, y1 a sin 2π nt माइनस x बाय लैम्डा, a sin 2π nt प्लस x बाय लैम्डा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये देख के nt माइनस x बाय लैम्डा, nt प्लस x बाय लैम्डा कैसे आया, तो देखो आपको मैं बता देता हूं। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सीख लो, ए साइन ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई एन इंटू टी और इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो ये आ जाता है ए साइन 2 पाई कॉमन निकाल लो तो अंदर बसता क्या है, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। अच्छा, अगर पॉजिटिव साइन होता था तो क्या बसता है, एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा, ठीक है ना। तो हम ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं, और किसी को सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का टॉपिक देखना है तो वो देख सकता है। तो डायरेक्शन अपोजिट होती है जब एक पॉइंट पे मीट होती है, तो इनके मीट होने से जो वेव बनती है उस वेव को स्टेशनरी वेव कहा जाता है। तो देखो वर्ड क्या है, एक है वर्ड स्टेशनरी, दूसरा क्या है वेव। तो हम इसे स्टेशनरी क्यों कहते हैं, स्टेशनरी क्यों कहते हैं, यह बात हम इक्वेशन बनने के बाद समझने वाले हैं कि हम इसे स्टेशनरी क्यों कहते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर जब वो एक पॉइंट पे मीट करेगी तो हम ये कह सकते हैं दैट विल बी कम y1 प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2। तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे y1 प्लस y2 में y1 कितना है आपके पास में, a sin, अंदर आपके पास है 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस a sin 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, y नेट a कॉमन निकाला, साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा, यहां पर आइडेंटिटी लग रही है साइन c प्लस साइन d की, साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी लग रही है। साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी के हिसाब से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसे लिखा जाएगा टू साइन
c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2, ऐसे ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो हम ये लिख पाएंगे साइन a हर जगह से कॉमन निकल गया दोनों में से, तो मैं a दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूं, तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर पैक कर दे रहा हूं कि ये अंदर से कॉमन निकल चुका है। तो भाई वाई नेट a कॉमन निकला हुआ था, a कॉमन, अच्छा 2 साइन c क्या है, तो इस पूरे टर्म को मैं क्या कह रहा हूं c, इस पूरे टर्म को मैं क्या कह रहा हूं d, साइन c प्लस डी डिवाइड बाई टू। सी क्या है आपके पास में चेक करें, 2 पाए एनटी माइनस एक्स बाय लेमडा प्लस 2 पाए एनटी प्लस एक्स बाय लेमडा डिवाइड बाई टू, आप इसे ऐसा कह सकते हैं डॉट कॉस सी माइनस डी। सी माइनस डी मतलब क्या, 2 पाए कितना है ब्रैकेट में देखो, एनटी माइनस एक्स बाय लेमडा माइनस डी 2 पाए ब्रैकेट में कितना, एनटी प्लस एक्स बाय लेमडा डिवाइड बाय 2, इसे ऐसा कहा जा सकता है। ये बड़ा ब्रैकेट आपके सामने कॉमन निकल चुका है भाई। वाई नेट 2 कॉमन निकाल लिया, a कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा साइन, ओपन कर देते हैं 2 पाए एनटी माइनस 2x बाय लेमडा प्लस 2 पाए एनटी प्लस 2x बाय लेमडा डिवाइड बाय 2, ऐसा लिखा जा सकता है इनटू कॉस, अंदर बचता है 2 पाए एनटी माइनस 2 पाए एक्स बाय लेमडा। अच्छा यहां पर हाँ 2 पाई भी तो आएगा बच्चों, यहां पे 2 पाए एक्स बाय लेमडा 2 पाए एक्स, ये आएगा आपके पास में 2 पाए एक्स, ठीक है ना, और माइनस 2 पाए एनटी माइनस 2 पाए एक्स बाय लेमडा डिवाइड बाय 2, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब देखो क्या फर्क पड़ा, फर्क ऐसा हुआ ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब ये टर्म कैंसिल होने के बाद में क्या आया, ये टर्म कैंसिल होने के बाद में रिजल्टेंट इक्वेशन कुछ इस तरह से आया। सो रिजल्टेंट इक्वेशन आ गया वाई नेट इक्वल टू ट्वाइस ए, अच्छा 2 पाई एनटी प्लस 2 पाई एनटी कितना आया साइन 4 पाई एनटी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा माइनस 4 पाई एक्स अपॉन 2 लेमडा हो जाएगा क्योंकि नीचे डिवाइड बाय 2 अवेलेबल है। तो अच्छा वाई नेट की इक्वेशन आ गई आपके पास में ट्वाइस ए साइन 2 पाई एनटी, अच्छा ये आ चुका है कॉस 2 पाई बाय लेमडा मतलब माइनस 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स आ जाता है आपके पास में। अच्छा जिनको नहीं पता है वो सुन ले, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है और 2 पाई बाय लेमडा को के लिखा जाता है, 2 पाई बाय लैम्डा इज रिटन एज के, सो के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, इसे ऐसा लिखा जाता है। सो वाई नेट इज गिवन एज ट्वाइस ए कॉस, ये आ गया माइनस के एक्स इंटू साइन 2 पाई एनटी, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा कॉस माइनस थीटा, सो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, प्लस कॉस थीटा होती है। जैसे प्लस कॉस थीटा लिखा, हम आगे क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे वाई नेट इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस के एक्स इंटू साइन 2 पाई एन टी। तो यहां पे दो टर्म आ रहे हैं, एक ये टर्म आ रहा है, एक ये टर्म आ रहा है। इस टर्म को हम कहते हैं आर, इस पूरे टर्म को मैं कह रहा हूं आर, और अंदर आ गया साइन 2 पाई एन टी। तो बेसिकली आर क्या है, सो आर की वैल्यू आपके पास है ट्वाइस ए कॉस के एक्स, आर की वैल्यू आपके पास कितना अवेलेबल है ट्वाइस ए कॉस के एक्स, है ना, ट्वाइस ए कॉस के एक्स आर की वैल्यू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। तो अब यहां आप चेक कर सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में क्या खास बात दिख रही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के अंदर एक खास बात दिख रही है, और वो बात यह है कि यह ट्वाइस ए कॉस के एक्स में यह एम्पलीट्यूड एक्स के साथ बदल रहा है, एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विद एक्स, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो दिख रही है वाई नेट ये दिख रही है आपको आर साइन 2 पाई एन टी, आर साइन 2 पाई एन टी। नोटिसेबल पॉइंट है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विद पोजिशन, एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विद पोजिशन, पोजिशन के साथ एम्पलीट्यूड बदल रहा है सर। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, ग्राफ
ऑफ स्टेशनरी वेव इज ऑब्टेन लाइक दिस. कॉस से शुरुआत होते हुए साइन के फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बना हुआ है y t में आप ग्राफ बना सकते हैं. अच्छा देखिए यहां पे कुछ बातें दिख रही है, ये x की पोजीशन है नॉट t. अब हम बात करते हैं ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, व्हाट आर दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है और इन पॉइंट्स के ये जो सेपरेशन है ये सेपरेशन कितने है? सेपरेशन है, थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा. ये कहलाएगी आपके पास में मीन पोजीशन. वो सारे पोजीशन जो मीन पोजीशन पे लाई करते हैं, जो हमें लुकिंग लाइक एट द सेम पोजीशन दिख रहे हैं, इन पोजीशन को नोड कहते हैं. ये सब टॉप मोस्ट पॉइंट जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, इन एक्सट्रीम पोजीशन के पॉइंट को आप एंटी नोड कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? एंटी नोड कहते हैं. ठीक है, एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, नोड वो पॉइंट होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है. मिनिमम को हम जीरो कह रहे हैं यहां पर. अच्छा ये नोड और ये एंटी नोड, तो जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सीख लें इस बात को कि भाई जब ये वन वेव होता है, वन साइकिल कंप्लीट होता है इसे लैम्डा लिखा जाता है, हाफ होता है लैम्डा बाय टू लिखा जाता है. और थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों, मान लो यहां से ऐसा है साइकिल, मैं इसके आधे टुकड़े कर देता हूं तो ये लैम्डा बाय फोर होगा और ये भी लैम्डा बाय फोर होगा, लैम्डा बाय फोर होगा. वापस देख ले एक बार, फिर से मैं बता रहा हूं फर्स्ट, यहां से यहां तक कितना है लैम्डा, यहां से यहां तक कितना है लैम्डा बाय टू, इसका भी आधा ये कितना है तो लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर. तो आप चेक करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास में, लैम्डा बाय फोर डिस्टेंस है. ये कितना डिस्टेंस है, लैम्डा बाय टू डिस्टेंस है. अभी मैंने आपको बताया एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, बोले लैम्डा बाय फोर है. फिर से ये कितना है, लैम्डा बाय फोर है. अच्छा लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर कितना है, तो बोले सर लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय टू है. तो मैंने बोला कि नोड वो पॉइंट हुए, नोड वो पॉइंट हुए जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, एंटी नोड वो पॉइंट हुए जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, लैम्डा बाय फोर हुआ. नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, लैम्डा बाय टू हुआ. और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये भी कितना हुआ, लैम्डा बाय टू हुआ. अब देखो जो पार्टिकल इस तरफ है और जो पार्टिकल इस तरफ है, ये दोनों पार्टिकल जो देखे जाए तो अपोजिट फेज पे, अपोजिट फेज में अवेलेबल है. कौन से फेज में अवेलेबल है, अपोजिट फेज में. अच्छा इन्हें स्टेशनरी वेव नाम क्यों दिया गया, आप देखो नोड 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 इनके बीच का जो लूप कंस्ट्रक्शन बन रहा है, लूप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखने में तो लग ही रहा है कि चेंज हो ही नहीं रहा है. भाई नोड और नोड के बीच का सेपरेशन समय के साथ कॉन्स्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए ये रिसेंबल होती है कि ये चल नहीं रही है, मोशन नहीं कर रही है, इसलिए इन्हें स्टेशनरी वेव नाम दे दिया गया है. अब नोड और एंटी नोड की कंडीशन क्या होती है, इन्हें कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और आगे चलकर बहुत सारे पॉइंट्स और एडिशनल जो आएंगे वो हम स्क्रीन के माध्यम से फटाफट रिवाइज कर लेंगे बच्चों. तो मैंने अभी ये कहा कि यहां पर एम्पलीट्यूड की बात की गई, तो एम्पलीट्यूड आप चेक कर सकते हैं आर ट्वाइस ए कॉस के एक्स ऐसा कहा गया है ना. कॉस का ग्राफ कई बार क्लास में बता चुका हूं, आई हैव डिस्कस मेनी टाइम्स विथ यू. कॉस का ग्राफ ऐसा है बच्चों, ये प्लस वन और ये कितना है माइनस वन, वापस से कितना है प्लस वन और ये कितना है माइनस वन, ये वापस से कितना है प्लस वन. तो बच्चों ये रहा जीरो, ये रहा पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, ये रहा आपके पास में 180 डिग्री, ये रहा 270 डिग्री और ये रहा 360 डिग्री. ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस वन पे मिलेगी. तो हम ये बात जानते हैं, जिनको नहीं पता वो सीख लो, कॉस पी पाई की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर पी और कॉस टू पी प्लस वन पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो. जैसे देखिए पी की वैल्यू आप जीरो रखिए तो कॉस जीरो इंटू पाई
माइनस वन की पावर जीरो वन आता है, p की वैल्यू वन रखो तो cos पाए माइनस वन की पावर वन माइनस वन आता है, cos p की वैल्यू टू रख के देखो चेक करके cos टू पाए माइनस वन की पावर टू प्लस वन आता है। तो प्लस माइनस वन वैल्यू तब मिलती है जब पी पाए होता है, और देखो यहां पे पी जीरो रखो तो क्या हो जाएगा आपके पास में cos टू जीरो प्लस फाइव बाई टू, तो जीरो प्लस फाइव बाई टू cos फाइव बाई टू कितना हो जाता है आपके पास में cos फाइव बाई टू जीरो हो जाता है। p की वैल्यू वन रखो तो cos टू इंटू वन प्लस वन पाई बाई टू, अच्छा टू प्लस वन थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू cos का कितना हो जाता है जीरो हो जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं जब कंडीशन किसकी बात की जाए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में प्लस माइनस वन की हम बात करेंगे, या तो प्लस वन या माइनस वन। तो r, जब r की वैल्यू प्लस माइनस टू ए हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो प्लस माइनस टू ए जैसे ही रखेंगे आप तो आ जाएगा टू ए, आ जाएगा कॉस के एक्स, अच्छा प्लस माइनस टू ए प्लस डिवाइड बाई टू ए तो प्लस माइनस क्या आ जाता है वन, कॉस के एक्स आ जाता है। सो कॉस के एक्स प्लस माइनस वन किस में आता है, तो कॉस पी पाई में आता है। के एक्स किस में आ गया आपके पास में, तो पी पाई में आ चुका है। के कितना है आपके पास में, टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है, पी पाई आ चुका है। अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया तो एक्स इक्वल टू कितना आपके पास में, पी लेमडा अपॉन टू। सो ये एक्स की वैल्यू आ जाती है पी लेमडा अपॉन टू। अब पी की वैल्यू बदलते जाओ आपको चेंजेस मिलते जाएंगे, यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ पी वन, ठीक है। एक्स मेरे पास अवेलेबल कितना है, पी लेमडा बाई टू, पी जीरो रखा तो एक्स जीरो आ जाएगा, पी वन रखा तो एक्स कितना आ जाएगा, लेमडा बाई टू आ जाएगा, पी टू रखा तो एक्स कितना आ जाएगा, टू लेमडा बाई टू कितना आ जाएगा आपके पास में, लेमडा आ जाएगा, पी थ्री रखा तो एक्स कितना आ जाएगा, थ्री लेमडा बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बदलाव होता जाएगा। अच्छा जब जीरो एम्पलीट्यूड की हम बात करें, वेन जीरो एम्पलीट्यूड की बात करें, तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, इस कंडीशन को हम कंडीशन ऑफ एंटी नोड कहते हैं। कंडीशन ऑफ क्या कहते हैं बच्चों, एंटी नोड कहते हैं। तो कंडीशन ऑफ एंटी नोड समझने के बाद नोड की हम कंडीशन बात कर लेते हैं। भाई नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर रिजल्टेंट क्या होता है, सर बोले जीरो होता है। अच्छा रिजल्टेंट जीरो होता है तो जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए कॉस के एक्स आ जाएगा सर। सो कॉस के एक्स कितना आ जाएगा आपके पास में, तो कॉस के एक्स आ जाएगा जीरो आ जाएगा आपके पास। कॉस के एक्स कितना आ जाएगा आपके पास में, जीरो आ जाएगा। अच्छा कॉस के एक्स जीरो आ चुका है तो हम क्या कह सकते हैं, कॉस 2p प्लस वन लेमडा बाय पाई बाई टू की हम बात करते हैं। तो kx कितना आ चुका है आपके पास में, वो आ गया 2p प्लस वन पाई बाई टू। k कितना है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स 2p प्लस वन पाई बाई टू, इसे ऐसा कहा जा सकता है पाई से पाई कैंसिल। तो x को क्या लिखा जा सकता है, x को लिखा जा सकता है 2p प्लस वन लेमडा बाय फोर, 2p प्लस वन लेमडा बाय फोर। वापस से वही कहानी, इफ p इक्वल टू जीरो, क्या कहते हैं p इक्वल टू क्या आ गया जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई लेमडा बाय फोर। p इक्वल टू वन तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, x की वैल्यू निकाली जाएगी टू इंटू वन प्लस वन लेमडा बाय फोर। सो टू प्लस वन थ्री लेमडा बाय फोर, क्या आएगा बेटा थ्री लेमडा बाय फोर आएगा। भाई p की वैल्यू टू हम बोले तो p की वैल्यू टू का मतलब क्या बोला जाएगा, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू 2 प्लस 1 लैम्डा बाय 4। अच्छा 2 2 जा कितना आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, तो ये बोला जाएगा 5 लैम्डा बाय 4, दिस विल बी कॉल्ड 5 लैम्डा बाय 4। तो उम्मीद करता हूं ये बातें यहां तक पूरी समझ में आई होगी, है ना। तो अब देखो जो भी ग्राफ फॉर्म हुआ है, मैंने सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखा था दोनों ही केसेस में, तो दोनों ही केसेस में एंटी नोड की कंडीशन देखो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू प्लस लैम्डा बाय फोर पे क्या आ रही थी, थोड़ा चेक करना है इस बात को। मैंने जब ये कहा कि r की वैल्यू प्लस माइनस टू है तो x की वैल्यू आपके पास में p लैम्डा बाय टू आई थी, मैंने कहा r की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू आपके पास आई थी 2p प्लस वन लैम्डा बाय फोर आई थी। पहला कंडीशन x इक्वल टू जीरो रखा या p इक्वल टू जीरो रखा तो x इक्वल टू आपके पास जीरो आ रहा था, p इक्वल टू जीरो रखा तो x इक्वल टू आपके पास लेमडा बाय फोर आ रहा था, ठीक है। जब p इक्वल टू आपने वन रखा था तो x इक्वल टू आ रहा था लेमडा बाय टू, और जब आपने p इक्वल टू वन रखा था तो x की वैल्यू क्या आ रही थी, x की वैल्यू आपके पास आ रही थी टू इंटू वन थ्री लेमडा बाय फोर। सो x जब r इक्वल टू प्लस माइनस टू ए था
तो इसे हमने कंडीशन ऑफ क्या कहा था, हमने कंडीशन ऑफ एंटी नोड कहा था, और आर जीरो था, जब जीरो एम्पलीट्यूड था तो इसे हमने कंडीशन ऑफ क्या कहा था, नोड कहा था। तो समझने पे ध्यान दें, वेव्स पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यहीं तक पैटर्न बता रहा हूं आप लोगों को। एक्स इक्वल टू जीरो, लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर एक्स इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू जीरो होने पर लैम्डा बाय फोर है ना, ये नोड की एक्स इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पर एंटी नोड की हम बात कर रहे हैं। अब पी की वैल्यू वन, तो एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय टू आपके पास आ रहा है ना, ये लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर, ये देखो लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर, तो लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर क्या आ गया, लैम्डा बाय टू आ गया। तो देखो एंटी नोड क्या आया, पहला एंटी नोड कहां पर आया, तो पहला एंटी नोड आया लैम्डा बाय टू पर आया, कितने पर आया लैम्डा बाय टू पर। अच्छा पहला नोड कहां पर आया, पहला भी नहीं कह सकता हूं मैं, पी की वन वैल्यू के लिए नोड कहां पर आया, थ्री लैम्डा बाय फोर। तो ये देखो ये रहा आपके पास में लैम्डा बाय फोर, और अगला नोड जो आ रहा है आपके पास में ये वाला आ रहा है, तो ये लैम्डा बाय टू, तो लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय टू क्या कह रहे हैं आप लोग, ये आ गया फोर, ये लैम्डा, टू लैम्डा, टू लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आ चुका है आपके पास में, थ्री लैम्डा बाय फोर। इस तरह से बताया। देखिए स्टूडेंट, हमने कंडीशन ऑफ नोड सीखा, कंडीशन ऑफ एंटी नोड सीखा। अब एक बार स्टेशनरी वेव की सारी प्रॉपर्टीज को हम रिकॉल करते हैं, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। तो पहली प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव क्या बोला जाएगा, पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टेशनरी वेव बनी कैसे, स्टेशनरी वेव बनी कैसे। तो हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें दो वेव चाहिए भाई। पहली वेव की इक्वेशन क्या थी, ए साइन टू पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। दूसरी वेव की इक्वेशन क्या थी, तो बोले सर ए साइन टू पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। तो देखो यहां जब बीच में माइनस साइन है तो प्लस एक्स डायरेक्शन, और बीच में प्लस साइन है तो माइनस एक्स डायरेक्शन। तो पहली बात क्या होना चाहिए कि दो वेव होना चाहिए ना, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। ये एम्पलीट्यूड चेक करो दोनों के, दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों क्या करना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए। तो दोनों के मिलने से क्या बनती है, तो मिलने से एक वेव बनती है, जिसे हम कहते हैं ट्वाइस ए कॉस के एक्स और साइन टू पाई एन टी। तो ये जो टर्म है इसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तब हमें जो वेव मिलती है उसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। अच्छा स्टेशनरी वेव में देखो फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, टू पाई एन टी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो भाई एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन अपोजिट मिलते हैं, मिलती है तो कौन सी वेव बनती है, स्टेशनरी वेव बनती है। स्टेशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, फाइनली वापस से ग्राफ बना के बता रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए क्या क्या हो रहा है, वो सारे पॉइंट जिनका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, उन पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया था, नोड नाम दिया था। वो सारे पॉइंट जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उसे हमने क्या नाम दिया, एंटी नोड नाम दिया है ना। अच्छा ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हुआ ऐसा, हमने ये भी बताया कि एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन कितना है, तो लैम्डा बाय फोर है। हमने ये भी डिस्कस किया कि नोड और नोड के बीच का सेपरेशन कितना है, तो लैम्डा बाय टू है। तो भाई एंटी नोड नोड जब भी लैम्डा बाय फोर सेपरेशन पे होंगे, नोड नोड किस पे होंगे, लैम्डा बाय टू पे होंगे। एंटी नोड किस पे होंगे, लैम्डा बाय टू पर होंगे। अच्छा स्टेशनरी वेव कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांसवर्स वेव ही स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती है, ट्रांसवर्स के साथ साथ कौन कर सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कर सकती है। इसमें एक और बात देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बदल रहा है, नोटिस करना जैसे जैसे क्या बदल रहा है, एक्स बदल रहा है। ये देखो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वेरिएबल है। लेकिन आप ये भी नोटिस करो कि लैम्डा बाय टू डिस्टेंस के बाद में वापस से ये क्या हो रहा है, जीरो एम्पलीट्यूड अचीव कर रहा है। वापस से लैम्डा बाय टू डिस्टेंस पर कितना जीरो अचीव कर रहा है। तो नोड और नोड के बीच का सेपरेशन समय के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। नोड नोड लैम्डा बाय टू के बाद, नोड नोड लैम्डा बाय टू के बाद, एंटी नोड लैम्डा बाय टू के बाद। तो हम ये कह सकते हैं ये पीरियडिक विथ पोजिशन है, या स्पेस में पीरियडिक है, एंड पीरियडिक विथ टाइम है, रिपीट हो रही है समय के साथ में, है ना। पर क्या
नोड नोड की रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये स्टेशनरी लग रही है, हमें स्टेशनरी लग रही है। अच्छा एक बात और, इधर के सारे पार्टिकल जो है सेम फेज में, इधर के सारे पार्टिकल ऑपोजिट फेज में, सारे के सारे सेम फेज में ऑपोजिट फेज में। क्लास में कई बार बता चुका हूं बच्चों, ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू साइन एक्स का, और ये बता चुका हूं कि ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। इन दोनों ग्राफ में पाई का फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का। तो भाई इधर के पार्टिकल उधर के पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितने का होता है? तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अच्छा स्टेशनरी वेव में क्या होता है? इस पूरे रीजन में एनर्जी कन्फाइन है, 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 इस पूरे रीजन में एनर्जी कन्फाइन है। मतलब क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। अच्छा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो प्रेशर मिनिमम होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है तो प्रेशर मैक्सिमम होता है। सारे के सारे पॉइंट मीन पोजिशन पर, ये देखो इस पोजिशन पर मीन पोजिशन पर लाई कर रहे हैं, सेम पोजिशन पर लाई कर रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। ये हो गई प्रॉपर्टी स्टेशनरी वेव्स की, है ना। अब प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा ये समझ लेते हैं, कि हमने पहले प्रोग्रेसिव वेव सीखा था, आप स्टेशनरी वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए टॉपिक देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव वेव और ये वेव है स्टेशनरी वेव। भाई पहली बात तो हम बता दें आपको, प्रोग्रेसिव वेव वाई इक्वल टू रिप्रेजेंट की जाती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव से। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन कितना है? ट्वाइस ए कॉस के एक्स इंटू साइन टू पाई एन टी। अच्छा स्टेशनरी वेव कब बनती है? जब टू वेव्स मिलती है। प्रोग्रेसिव वेव की बात क्या होती है? जब कोई डिस्टर्बेंस इसे क्रिएट करता है, इसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, लेकिन यहां पर दो वेव जब आपस में मिलती है जिनमें क्या क्या सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए ऑपोजिट, तब ऐसा होता है कि दोनों आपस में इंटरेक्ट इंटरफेयर करती है, मिलती है, तो हमें क्या मिलता है? स्टेशनरी वेव मिलती है। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन यहां पर वाई इक्वल टू ए साइन, कई बार ऐसा भी दिया जाता है ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, एक्स माइनस टी माइनस एक्स बाई वी के टर्म में होता है। अच्छा यहां सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए ही होता है, लेकिन यहां सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस ए कॉस के एक्स, मतलब एक्स के साथ में बदलता है। तो यहां एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है या एम्पलीट्यूड वेरिएबल रहता है। अच्छा स्टेज प्रोग्रेसिव वेव क्या करती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, भाई एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाती है। लेकिन स्टेशनरी वेव क्या करती है? कन्फाइन एनर्जी इन पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नोड नोड के बीच का एनर्जी फिक्स रहेगा। अच्छा इस प्रोग्रेसिव वेव में और क्या होता है और स्टेशनरी वेव में और क्या होता है? तो प्रोग्रेसिव वेव में आप चेक कर लीजिए, प्रोग्रेस मतलब मोशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस के साथ साथ वेव आगे बढ़ती है, लेकिन यहां पर वेव आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हमने अभी क्लियर किया, और बाकी कुछ डिफरेंसेस जो आप टेक्स्ट बुक से आप डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फाइनली समराइज करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और एक बार फाइनली देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों को और कवर करना। चलिए बच्चों फाइनली समराइज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव के बारे में, है ना। हम स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कहां से होती है? दो आइडेंटिकल वेव जो आपस में सुपर इंटरफेयर करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। और स्टेशनरी वेव के वो पॉइंट जो मूव नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और स्टेशनरी वेव के वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट का, उसे हम एंटी नोड कहते हैं। और कभी भी एंटी नोड और नोड के बीच का जो वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड का, वेरी कहां से कहां करता है? जीरो से ए के बीच में करता है। भाई पहले जीरो था, जीरो से बढ़ता हुआ मैक्सिमम ये जाता है। लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव अगर आपस में इंटरफेयर करती है तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव मिलती है, जैसा कि मैंने बताया था दोनों तरह की वेव होती है, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव दोनों होती है। और इस तरह की स्टेशनरी वेव जो प्रोड्यूस होती है पाइप क्लोज एट वन एंड या ओपन एट बोथ एंड, इस तरह से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज जीरो इज कॉल्ड नोड्स, जो पहले भी हम कह चुके हैं। ऐसे पॉइंट जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटी नोड कहते हैं। और वापस से नोड और एंटी नोड जो वाइब्रेट होते हैं उनका एम्पलीट्यूड जीरो से ए के बीच में वाइब्रेट हो रहा होता है, ये भी हम क्लास में बोर्ड पर डिस्कस कर चुके हैं। कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, और एंटी नोड नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है, और इसके एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। मैंने अभी ये भी डिस्कस किया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है स्पेस में वेरी करता है, पीरियडिकली वेरी करता है ना।
सारे के सारे पार्टिकल उन पॉइंट को छोड़कर जिन्हें हम नोड कह रहे हैं उनके पास एनर्जी होती है, लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है स्टेशनरी वेव में. वेव लोकलाइज्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज जीरो, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव. वेव नोड नोड रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होता, एंटी नोड एंटी नोड रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होता, तो वेव मोशन करती हुई फील नहीं होती है. अच्छा, मैंने अभी डिस्कस किया कि एडजेसेंट नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं लूप के अंदर वो अपोजिट फेज में वाइब्रेट हो रहे, सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं, मतलब एक सेम साइड वाले सारे सेम फेज में, अपोजिट साइड वाले अपोजिट फेज में, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दोनों के बीच में होता है. और ये बात थोड़ा याद रखिएगा, तानपुरा और वायलिन स्टेशनरी वेव के प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं. आइएगा कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव स्टेशनरी वेव. प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, प्रोग्रेस का मतलब ट्रेवल करना होता है, डिस्टर्बेंस एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेवल करता है जिसकी वेलोसिटी फाइनाइट होती है. जबकि स्टेशनरी वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस जहां प्रोड्यूस होता है उसी रीजन में डिस्टर्बेंस रह जाता है, इसलिए वेव की वेलोसिटी हम बात कर रहे होते हैं जीरो. पार्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं बोल रहे होते हैं, वेव वेलोसिटी जीरो बोल रहे होते हैं. इन प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम. मैंने बताया था ना आपको, इस बोर्ड पे लिखा था कि ए सेम रहता है जबकि यहां पे वेरी करता है. स्टेशनरी वेव में सारे के सारे पार्टिकल मीन पोजिशन को सेम टाइम में क्रॉस करते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता है ना. प्रोग्रेसिव वेव में सारे के सारे पार्टिकल मोशन कर रहे होते हैं, जबकि स्टेशनरी वेव में कुछ पार्टिकल मोशन नहीं करते हैं, और जो मोशन नहीं करते हैं उन पार्टिकल्स को हम नोड्स कहते हैं. प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, स्टेशनरी वेव में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता है, कन्फाइनमेंट ऑफ एनर्जी होता है, रीजन में एनर्जी एग्जिस्ट करती है. अच्छा, सारे के सारे पार्टिकल कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, मतलब मैंने बताया था ना ऊपर वाले सारे पॉजिटिव में, नीचे वाले सारे नेगेटिव में, है ना. पॉजिटिव में मतलब सेम फेज, नेगेटिव मतलब अपोजिट फेज. लेकिन स्टेशनरी प्रोग्रेसिव वेव के केस में ऐसा नहीं होता, प्रोग्रेसिव वेव में लगातार पार्टिकल अपना फेज बदलता है, लगातार पोजिशन चेंज करता है. ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको सभी को क्लियर हुई होगी. और कुछ क्वेश्चंस स्टेशनरी वेव से. पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव.